जोरदार तालियों से स्वागत है। माल्यार्पण का कार्यक्रम आज गोमिया प्रखंड के कंडेर पंचायत में पवन पुत्र हनुमान जी का एक सप्ताह का महायज्ञ कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, उसके शुभारंभ कार्यक्रम में हम लोग भी उपस्थित हुए हैं। इसके लिए कंडेर पंचायत के आसपास के लोगों को और सभी कार्यकर्ता साथियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। योगेंद्र प्रसाद जी भी साथ में हैं, पूरा गांव का गांव यहाँ उपस्थित है और निश्चित रूप से सदियों से चला आ रहा परंपरा व्यवस्था को सब लोगों ने कायम रखा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आज कानून जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं सबको इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, अपना जेब में कर लिया है और आज आप नतीजा देखेंगे। इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय भी सड़क पर उतर करके न्याय मांग रहे हैं और ये तो स्टेट जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जुडिशियल सिस्टम है और इसमें कहीं से भी कोई दोहराई नहीं कि ये लोग सरकार के द्वारा प्रभावित ना होते हो। सरकार के सोच और सरकार के कैबिनेट मंत्री के मानसिकता को हम बताते हैं कि आज DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो ट्रस्ट होता है जिसके अध्यक्ष DC होते हैं और विधायक और सांसद उसके मेंबर होते हैं और वह अनुशंसित योजना जो DMFT फंड का पैसा होता है जो खदानों से उसको रॉयल्टी के आधार पर मिलता है उस पैसे से हम लोग आज विधानसभा में चाहे टेनुघाट माए तट हो, टेनुघाट दाहिने तट हो, कठारा हो, पचमो हो, ललपनिया हो, चतरोचट्टी हो, खमरा हो, इन योजनाओं को हम लोगों ने दिया था और आज देखिए निर्लज्जता की हद पार कर गए। शायद उनको अपना अधिकार क्षेत्र का भी ज्ञान नहीं है, उनके बजट का पैसा नहीं है साहब, DMFT फंड का पैसा है और गए हैं शिलान्यास कर ले, तो निर्लज्जता की हद भारतीय जनता पार्टी अरासू को लोगों को ये देखने के लिए बताने के लिए काफ़ी।